इस लाइन में मेरे साथ कुपवाड़ा से कुछ यूथ ज्वाइन किया हुआ है, जिनका कहना है कि उनके साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ, जिसमें उनको कहा गया कि उनको फॉरेन में जाकर जॉब्स दिलवाई जाएंगी और उसके बिना पर इनसे बहुत सारे पैसे ऐंठे गए हैं जो आज तक इनको नहीं मिल पाए हैं। इन्हीं की जुबानी जानेंगे कि क्या कुछ पूरा मामला है। मैं बता दूं, कुपवाड़ा से गुलाम मुस्तफा खान हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, साथ ही हमारे साथ समीर खान ज्वाइन किए हुए हैं और दानिश ज्वाइन किए हुए हैं। तो मैं चाहूंगी आप तीनों में से कोई एक पूरा मामला बताइएगा कि आप लोगों के साथ क्या कुछ हुआ। और मैं ये भी बता दूं कि सिर्फ इन्हीं के साथ नहीं, और भी बहुत सारे नौजवान हैं जो इस फ्रॉड की चपेट में आए हैं। जी बताइए। जी जी मैम, 2019 में हमने एक एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन देखा जी जिसमें इन्होंने कहा था कि हम आपको गल्फ कंट्रीज में जॉब प्रोवाइड करेंगे। जी उसके बाद जब हम वहां इनके ऑफिस में विजिट करने गए तो उन्होंने कहा कि आपको हर एक को 60,000 तो पहले पे करना होगा, उसके बाद में 1 महीने के बाद आपका वीजा आएगा, उसके बाद ही आपको यहाँ से डिपार्चर होगा। लेकिन महीना क्या मैम, उसके बाद 6 मंथ्स के बाद हमें कहा गया कि अब आप पीसीसी बनवाओ। जब जी हमने पीसीसी बनवाई उसके बाद इन्हें कहा अब आपके टिकट का टाइम है। जब हम वहां पहुंचे तो इन्हें टिकट जो थे वो फ्रॉड निकाले थे। उसके बाद में इसने वहां पे हमें खुद लिख के दिया, एक नोटरी एफिडेविट बनवाया जिसमें इसने खुद लिख के दिया, अगर मैं आपके साथ धोखा करूंगा तो आपको डबल अमाउंट हम वापस करेंगे। उसका वीडियो क्लिप भी हमारे पास है मैम, उसने भी इसने यही कहा है। लेकिन उसके बाद 2 साल गुजर गए, आज तक हमने इससे अपने पैसे वापस मांगे, इसने हमें अपने पैसे भी वापस नहीं करवाए। हमारी अब सरकार से एक ही डिमांड है, हमें इसकी सजा नहीं चाहिए, हमें अपने पैसे जो है वही वापस कर दीजिए मैम। जी चलिए, जिस तरह से गुलाम मुस्तफा खान ने बताया इनके साथ क्या हुआ, हमारे साथ समीर खान और दानिश भी हैं, इनसे भी हम जानेंगे। जी सबसे पहले समीर खान, आप भी बताइएगा कि क्या कहकर आपसे इतने पैसे लिए गए, उसके बाद आज कितना वक्त हो चला है जहां पर आपको अभी तक पैसे नहीं मिल पाए हैं। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हमने एक एडवर्टाइजमेंट दिखा था, तो हम उसके ज़रिए से इसके पास पहुंचे। इस बंदे का नाम है आदिल यूसुफ शेख, जो नवपुरा खानियार का रहने वाला है। तो जब हम इसकी कंसल्टेंसी पे पहुंचे तो इसने हमें ये बोला कि हम आपको जॉब प्रोवाइड करेंगे गल्फ कंट्रीज में। तो हमने इसको पैसे दिए 60,000 जो बाय हैंड हमें इसको दिए। तो उसके बाद जब हम इसके पास गए तो इसने हमें वीज़ा जो था वो मतलब फ्रॉड दिया। फ्रॉड देने के बाद जो हमें जितना भी मतलब इसने जो भी डॉक्यूमेंट्स हमें दिए वो फ्रॉड ही दिए। पीसीसी बनवाया, मेडिकल करवाया, वो सब फ्रॉड था। तो 6 मंथ्स के बाद हम जब इसके पास गए तो हमने जब चेक करवाया तो वो वीजा हमारा बिल्कुल फ्रॉड निकला। तो जब हमने इसको बोला कि क्या प्रॉब्लम है, आपने क्यों ऐसा किया हमारे साथ, तो उसने बोला आपको जो मर्जी आप करो, हमारे मेरे पास कुछ नहीं है। अब ये और टाइम मांग रहा था, ये कर रहा था, यहाँ से वहां बातें टाल रहा था। उसके बाद हमने हुमामा पुलिस स्टेशन पे एफआईआर काटा। इसकी एफआईआर कॉपी भी वो हमारे पास है 400 BC के केस में। जब शाम के टाइम इसकी गाड़ी भी सीज हुई, उसके एविडेंस हमारे पास हैं, उसके फोटोज हमारे पास हैं। शाम के टाइम हम जब गए, अब हमें लेट हो गया था, हम रात को वहां पे नहीं टिक सकते। अब हमें पुलिस वालों ने भी ये मतलब यकीन दिलाया कि आपका पैसा हम वापस दिलाएंगे। जब सुबह के टाइम हम वहां पे गए तो इस बंदे को भी छोड़ दिया गया था। फिर वहां पे उसकी जो गाड़ी थी वो भी रिलीज कर दी गई थी। उसके बाद जब हम इसके पास आए, फिर जब हम वहां से वापस आए तो हमें ये यकीन दिलाया गया कि आपके पैसे वापस आ जाएंगे, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं किया। जब हम इसके घर में गए तो इसके घर वालों ने बोला कि अगर आप हमारे साथ यहाँ पे आए तो पता नहीं हम आपके साथ हम पे आप पे क्या क्या इल्जाम लगा देंगे। हम बेबस होके मीडिया पे भी दिया, हमने मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उस पे भी हमारा कुछ भी, किसी ने कोई भी बात हमारी नहीं सुनी। हम लाचार होकर बेबस होकर अपने अपने घरों को लौट आए। उसके बावजूद हम में से कुछ लड़के ऐसे हैं जो बिल्कुल यतीम हैं, जिन्होंने अपनी जमीन बेच के अपना कुछ ना कुछ माल मवेशी कुछ ना कुछ बेच के हमने इसको पैसे दिए हुए थे। उसके बाद हमारे हमारे पैसे भी नहीं लौटे, ना हमारा वो जॉब है ना कुछ। फुली डिप्रेशन के साथ हम घर में बैठे हुए हैं आज भी मैम।
बिल्कुल। तो दानिश भी हमारे साथ है, दानिश बताइएगा, जिस तरह से इन्होंने कहा कि बहुत मुश्किल के साथ पैसे इकट्ठे करके उसे इस उम्मीद में दिए थे कि कहीं पर जॉब लग जाएगी, और फॉरेन भेजने के इस वादे पर जिस तरह से आपको लूटा गया, क्या कहें? जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। जो गुलाम मुस्तफा खान ने और सुनील भाई ने कहा ये सब ठीक है, लेकिन मैम जो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, जो हमने 60,000 भरा था मैम, वो हमने मेहनत मजदूरी करके वो 60,000 जमा किया था और हमने उसे उसे दिया था मैम। अब बस हमारी यही गुजारिश है आपसे, आप गवर्नमेंट तक ये पहुंचा दो कि वो अभी घर में खुला घूम रहे हैं, उसके पास हमारे पैसे बस वो ही हो जाए, बस हमारे लिए काफी है मैम। क्यों मैम ऐसा हमारे है? इस आपने कहा जी मैम हमें जी इसकी सजा नहीं चाहिए, हमारा पैसा ही हमें वापस चाहिए बस। आप मुझे बताइए कि आपने जिक्र किया कि आर्टिकल 370 जिस साल में खत्म किया गया, उसके बाद आपके साथ ये हुआ है, उन दिनों की बात है ये, है ना? तो अभी मैम ये 2023 आर्टिकल टूटने से पहले 4 दिन की बात है, 5 दिन की। उसी दिन ये मसला हुआ, खैर, दो सौ उसी पंद्रह साल को ये मसला हुआ है, 2019 उसी दिन हुआ, हमने तो एफआईआर अब भी खत्म कर दी। 2021 है, तो इतनी देर में क्यों किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया गया? आपका कहना है कि वो अभी भी अपने घर पे आराम से है, ना पैसा दिया है, एफआईआर आपने जो है किया है, उसके बावजूद किसी तरह का कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? मैम जब मैम हम हम उम्मीद कर रहे तो किससे कर रहे, जिस पुलिस स्टेशन में हमें ले जाया गया उसमें हमें उल्टा यही कहा गया कि अगर आप यहाँ से नहीं निकले तो हम आप लोगों पे एफआईआर काटेंगे। मैम आप उम्मीद हम लगाए भी तो किससे लगाए मैम। क्या कहेंगे आप? सभी को ये कहा गया जी, समीर खान बताइएगा। जी मैम हमें यही मुस्तफा के कहने पे हमें यही कहा गया, हम बड़गाम एसपी ऑफिस के दफ्तर तक पहुंचे हैं, डीसी के पास पहुंचे हैं, तब डीसी सहरिश असगर साहिबा थी तो हम वहां पे भी पहुंचे, उन्होंने भी हमें उम्मीद दिलाई, लेकिन वो खोखली उम्मीदें हमें हमारी खोखली, वो हमें झूठे वादे दिखाए गए, किसी ने कुछ भी नहीं हमारी बात सुनी। उसके बाद हमने एफआईआर कॉपी भी लाई, उसकी कॉपी भी लाई, हमने वो भी दिखाई। अब हम उसने हालांकि हमें उसने चेक्स भी दिए हुए हैं, चेक भी दिए हुए हैं, वो उसके मेमो भी लगा के हैं, मेमो लगा के हमने वापस लाए। जब हम कोर्ट में पहुंचे तो तब आर्टिकल 370 टूट गया था, आर्टिकल 370 जब टूटा तो हम कोर्ट में गए, जब हालात ठीक हुए कोर्ट में गए, कोर्ट में हमें वकीलों ने यह बताया गया इसकी चेक की जो डेट है वो ओवर हो चुकी है, हम 3 महीने के अंदर अंदर इसका केस ले सकते हैं, बाद में नहीं ले सकते, जो चेक्स हैं उसमें भी उसने जो हमें वो भी फ्रॉड दिए हुए हैं, उसमें मेमो लगा के हुए हैं, हम हमें दिए हुए उसमें वो भी उसकी डेट ओवर गई, हमें हम हमारी कोई सुनता ही नहीं है मैम। जी, तो क्या कहेंगे दानिश, जिस तरह से इतने इतना वक्त हो चला है, ना आपके पैसे वापस मिले हैं, ना उस शख्स पे किसी तरह का एक्शन हुआ है, पुलिस कंप्लेन आपने की है, और कितने कैंडिडेट्स थे बताइएगा जिन जो अभी तक यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमारे पैसे वापस मिलेंगे? मैम हम 20 कैंडिडेट हैं मैम, यही के बस सब यही कहते हैं हमारे पैसे कब वापस आ जाए, हम कुछ काम करें मैम, बस यही उम्मीद लगा के बैठे हैं कि वो कब हमारे पैसे वापस देगा तो हम कुछ काम करें। वो अभी मैम पता नहीं श्रीनगर में कुछ काम कर रहा है, वो गाड़ियों पे घूम रहा है, पता नहीं क्या मैम ना, मैम हमारे उनसे पैसे कहा तो गए उसने ना, फिर और उसने माना, उसने जमीन बेच दिया मैम, जी, तुमने तो 60 दिया, लेकिन उसमें से आधे ऐसे भी जिन्होंने 85 दिया, 90 तक भी मैम दिया है, मैम इतना बिल्कुल भी पैसे हुआ है लिए कि मैम एक उनके पास एक जाएंगे। बंदे ने मैम इतना भी जी हुआ है कि एक बंदे ने अपनी बहन के मेहर के पैसे उसको दिए हुए हैं। बहुत डिसअपॉइंटिंग है ये, और आप देखिए कि कितना सारे जो कश्मीर से यूथ है वो अब 2 साल से जिस तरह से बहुत मुश्किल से इन्होंने अरेंज किया, और काफी डिसअपॉइंटिंग है कि जिस तरह से अभी समीर खान ने बताया कि कैसे कैसे ये पैसे इकट्ठे किए थे इन्होंने, सिर्फ इसी उम्मीद में नौकरी लगेगी, अपनी जिंदगी बनाएंगे, अपना करियर बनाएंगे, और बार बार कश्मीर के नौजवानों से अपील की जाती है कि वो जिस तरह से अपने करियर पे फोकस करें, जिंदगी की सही राह पकड़े, वहां पे ये नौजवान, यही 3 नहीं है और भी बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनका कहना है कि फॉरन जाके नौकरी दिलवाने के बहाने से उनसे 60-60 हज़ार रुपया लिया गया, उसके बावजूद उसके बाद ऑफिस बंद कर दिया गया, पर जिसने उनके साथ ये किया उसके खिलाफ अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। तो एक-एक मैम जी, हमारे पास उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, वो भी मैं आपको सेंड कर देता हूँ मैम, वो भी आप दिखाइए, और एफिडेविट है जिसमें उसने वाजह तौर पे ये भी कहा है कि
कि अगर इस डेट पे आपका डिपार्चर नहीं हुआ तो मैं आपको डबल पे करूंगा मैम। डबल पे क्या मैम, हमारे हम अपने जो पैसे हैं वो भी अभी तक हमें वापस नहीं मिले हैं। जी वहीं पर अगर आपके पास फोन पे वीडियो रिकॉर्डिंग है तो आप अभी दिखा सकते हैं अपने फोन से, अगर कोई अगर अपने फोन से दिखा पाएगा तो। खैर जैसे इन्होंने कहा कि इनके पास प्रूफ भी है, वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, जिसमें उसने ये दावा किया था उस शख्स ने कि अगर यहाँ से ये नहीं गए, अगर इनकी जॉब नहीं लगी तो डबल पैसे इनके वापस होंगे। पर उसके बावजूद जो है इनको अभी तक वो पैसे भी नहीं मिले हैं जो इन्होंने दिए थे। तो जाते जाते क्या कहना चाहेंगे, एक-एक मैसेज सबके सबसे ले ले रहे हैं हायर अथॉरिटीज तक, जो ये आवाज अपनी पहुंचाना चाहते हैं। जी बताइएगा गुलाम मुस्तफा। जी मैम, ऐसे लोगों को बाहर रहने का कोई हक ही नहीं है मैम। आज हमारे साथ हुआ, न जाने हमसे पहले इन्होंने कितने ऐसे मासूम बंदों को इस नौकरी के बहाने ठग के, लगता है करोड़ों बार इसने हड़पे है, लेकिन हुकूमत भी इस बंदे का कुछ भी नहीं कर पाई। अब हमारी एक ही डिमांड है कि इसका कुछ ना कुछ किया जाए, हमारे जो भी पैसे हैं वो हमें वापस किए जाए मैम। जी समीर और खान। लोग जी जी मैम, हम इतना ही कहना चाहते हैं कि हमें पैसा वापस चाहिए, और किसी मासूम बंदे के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए आइंदा के लिए। और ऐसे बंदों के लिए मतलब सजा होनी चाहिए अच्छे से, ताकि आइंदा आइंदा आने वालों को नसीहत लगे। बिल्कुल, दानिश एडमिनिस्ट्रेशन से, हायर अथॉरिटीज से क्या अपील रहेगी आप सभी की तरफ से? जी मैम, बस हमारा यही रहेगा कि ऐसा बंदा बाहर कैसे घूम सकता है, ऐसे लूट के 20 बंदों से पैसा खा के, और वो ऐसे कैसे बाहर रह सकता है, ना हमारा पैसा दे रहा ना कुछ। बस मेरी गवर्नमेंट से यही अपील है कि उस बंदे पे कार्रवाई की जाए और उससे एक्शन लिया जाए मैम। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल का मेरे जवाब दीजिएगा, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन को भी अगर ये वीडियो पहुंचे तो ये क्लियर हो सके कि एफआईआर भी जिस तरह से इन्होंने दर्ज करवाई है, पुलिस कंप्लेन उन्होंने लिखवाई है, 2 सालों से कुछ भी नहीं हुआ है। तो बताइएगा समीर खान कि क्यों कुछ नहीं हुआ है, पुलिस की तरफ से क्या कहा जाता है, कंप्लेन होने के बावजूद किसी तरह का एक्शन क्यों नहीं लिया गया है, आखिर में वो बताइए। मैम बिल्कुल, जब मैम, हमने जब यहाँ भी पे हम यहाँ डिस्ट्रिक्ट से कुपवारा में एसपी साहब से बात की, उन्होंने कहा कि आप अपने थाने में जाइए, उसके खिलाफ एफआईआर काटिए। जब जी हम यहाँ पे अपने पुलिस स्टेशन में गए तो वहां पे एसएचओ साहब का कहना है कि उस बंदे के खिलाफ ऑलरेडी एक एफआईआर लगा है, हम दोबारा उस पर एफआईआर नहीं काट सकते, आप जाइए वहीं पे। यही उम्मीदें हमें मिल रही है मैम, पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से भी मैम। अब आप ही बताइए मैम, कहाँ जाए तो जाए, कहाँ पे मैम, यहाँ से वहां घुमा रहे हैं, वहां से यहाँ घुमा रहे हैं, लेकिन काम कोई कुछ भी नहीं कर रहा है। मतलब इस पे कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है, हालांकि इस बंदे का इतना भी हुआ है कि इतने मतलब जब हमने इसके चेक मेमोज कराए थे, तो उस टाइम हमें शुरू शुरू में पुलिस की तरफ से एक इन्फॉर्मेशन ये भी आई थी कि इस बंदे के जो अकाउंट्स हैं उसमें से 61 लाख रुपीज का ट्रांजेक्शन हुई है। जी जी मैम, अब जब हम डीसी साहिबा के पास भी गए, वहां पे भी एसपी साहब बड़गाम के पास भी गए, और कुपवारा एसपी साहब के पास भी गए, एसएचओ साहब के पास भी गए, बस यहाँ से वहां घुमा रहे हैं। यहाँ इस बंदे पे एक एफआईआर लगा हुआ है, दूसरा एफआईआर इस पे नहीं लग सकता है। तो झूठी उम्मीदें दिलाते हैं, काम कुछ भी नहीं हो रहा है, ना हमारा पैसा कहीं, पैसे का कुछ नाम है, ना उस बंदे का कुछ काम है, मतलब पता पता। मैम लास्ट टाइम हमने ऐसे ही कुछ कंफर्म किया था, तो उसके घर हम गए तो उसने अपनी बर्थडे पार्टी पे कम से कम 20 लाख रुपए का खर्चा किया हुआ था मैम, अपनी बर्थडे पार्टी पे। जी लोगों के दानिश, बताइएगा पैसे से वो ऐश कर रहा है। दानिश, जब आप भी पुलिस के पास गए कंप्लेन लेकर, क्या आपको कहा गया उनकी तरफ से? जी मैम, हम गए पुलिस के पास, एक तो हम बड़गाम में गए, उन्होंने बोला हम खुद कार्रवाई करेंगे, यहाँ तक कि मैम हमने उसकी गाड़ी बंद करवाई शाम के टाइम, और सुबह हम गए उसकी गाड़ी पुलिस वालों ने छोड़ दी थी मैम, तो उसको आपने भी बंद पूछा, करवाया था, और उसकी गाड़ी को भी जब हम सुबह थाने पे गए तो मैम ना उसकी गाड़ी थी ना वो थी कहीं, फिर पुलिस वालों ने बोला कि वो अभी डर गया, अभी आ रहा होगा, फिर आया नहीं मैम। बिल्कुल गुलाम मुस्तफा खान, समीर खान और दानिश, बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। उम्मीद है आपको इंसाफ जरूर मिलेगा, और सिर्फ यही तीन इंशाल्लाह नौजवान नहीं, और भी बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, नौजवान हैं, यूथ है कश्मीर का, जो इंसाफ की गुहार लगा रहा है। उनका कहना है कि 2 साल पहले उनके साथ इतना बड़ा फ्रॉड हुआ था, आज तक उनसे
किसी तरह की कोई कार्रवाई अभी तक नहीं कर पाई है। तो यही हम एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी अपील रहेगी कि इस मैटर पर गौर करें और क्या है पूरा मामला, जो भी कल्प्रिट है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई। शुक्रिया शुक्रिया मैम। दोस्तों क्या आपको पता है कि आपकी वजह से हम जरूरतमंद और यतीम बच्चों की मदद करते हैं? बिल्कुल ऐसा हो रहा है पिछले एक साल से। और अगर आप जानना चाहते हैं कि ये कैसे हो रहा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए और जानिए कि हम लोग आपकी वजह से कैसे जरूरतमंद और यतीम बच्चों की मदद करते हैं।